Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. कनाडा की वफाकी जमातें गन वायलेंस रोकने के लिए पुरअज़म। जस्टिन ट्रूडो ऑन्टेरियो में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। कम आमदनी वाले अफराद के लिए टैक्सों में कमी करेंगे एंट्रियो शेयर। कैनेडियन शहर मिसिसागा में बियानका आंड्रियास की फतह का जश्न। सऊदी तेल हमले के जवाब के लिए निशाने और हथियार के साथ तैयार हैं सदर ट्रंप। किसी भी किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं ईरान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian Immigration Officer and a senior case analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once, do it right. एरिया एनक्लेव के एन वस्त में मदीना मॉल एंड रेजिडेंसी, मरगला के पहाड़ों के हसीन व्यू लिए वर्ल्ड क्लास बेहतरीन फैसिलिटीज और एमिनिटीज के साथ दो और तीन बेडरूम के सुपर लग्जरी लाइफस्टाइल अपार्टमेंट और शॉपिंग मॉल, हर अपार्टमेंट विला जैसा रोशन और कुशादा। बुकिंग और तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानी बहनों और भाइयों के लिए ला रहा हूँ एक शानदार प्रोजेक्ट, मदीना मॉल एंड रेजिडेंसी। तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए शराज बदर 519-807-8771, ईमेल कीजिए shiraz@propertybrothers.com। आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर वैद्य हरीश वर्मा से अपनी सेहत को ठीक रखने या किसी भी पुरानी बीमारी या रोग के बारे सलाह लें 416-804-1500, 416-804-1500, 2250 बुवेट ड्राइव ईस्ट, यूनिट 601, ब्रैम्पटन। आयुर्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन मेडिकल सिस्टम है। घुटनों का दर्द यानी आर्थराइटिस, डायबिटीज, कोलाइटिस या फिर त्वचा के रोग जैसे सफेद दाग यानी वटिलेगो, सोराइसिस, एक्जिमा आदि का आयुर्वेद में कैसे होता है इलाज, देखें कनाडा के जाने माने आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर वैद्य हरीश वर्मा के साथ। हेल्थ जरूरी है। वैद्य हरीश वर्मा के शो हेल्थ जरूरी है को टीवी चैनलों और यूट्यूब पर देखें और उनसे राब्ता करें 416-804-1500, 416-804-1500। कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कनाडा के शहर टोरंटो में जहां फायरिंग के वाके में एक नौजवान हलाक और पांच जख्मी हुए, वफाकी जमातों के सरबराहन ने वाके पर दुख और अफसोस का इजहार किया, जबकि इस दौरान गन वायलेंस से निमटने के लिए नई तजावीज भी सामने आई। इस रिपोर्ट में कनाडा के शहर टोरंटो में जहां फायरिंग के वाके में एक नौजवान हलाक और पांच अफराद जख्मी हुए, वफाकी जमातों के सरबराहान ने वाके पर दुख और अफसोस का इजहार किया, जबकि इस दौरान गन वायलेंस से निमटने के लिए नई तजावीज भी सामने आई। ट्रूडो का इस हवाले से कहना था कि उनकी मिसिसागा की मेयर बॉनी क्रोम्बी से मुलाकात हुई है, जिसमें उन्हें वफाकी हुकूमत की जानिब से मदद की यकीन दहानी कराई गई है। क्रोम्बी जो कि साबिक लिबरल MP हैं, उन्होंने तजवीज़ दी कि तमाम हुकूमतों को उन जराए और फंडिंग को बढ़ाना होगा जो गन वायलेंस से निमटने के लिए हों। ट्रूडो का कहना है कि उनकी पार्टी इस हवाले से इकदाम कर रही है, जबकि आने वाले हफ्तों में इस हवाले से बातचीत की जाएगी। उनका कहना था कि हम जानते हैं कि हमें इस
सिलसिले में बहुत कुछ करने की जरूरत है और हम कर भी रहे हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा एंड्रू शेयर और एनडीपी के जगमीत सिंह ने भी इस हवाले से अपनी राय का इजहार किया। उनका कहना था कि हमें गन वायलेंस की बुनियादी वजूहात को खत्म करने की जरूरत है। ब्रिटिश कोलंबिया में अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान शेयर का कहना था कि हम गुज़श्ता चंद माह से गन वायलेंस के वाकयात को देख रहे हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ गैंग से हो सकता है, जबकि हमें उन कानूनों को बेहतर बनाने की जरूरत है जिनमें गैंग मेंबरान को जमानत मिलती है। जगमीत सिंह ने क्यूबेक में इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा कि उनकी जमात म्यूनिसिपलिटीज को हैंड गन्स पर पाबंदी का इख्तियार देगी। जस्टिन ट्रूडो जनूबी ऑन्टेरियो में वोटर्स के अहम इलाके में पहुंचे। कनाडा की लिबरल पार्टी के रहनुमा ने ऑन्टेरियो में कोब्रिक में मुकामी रहनुमा केम रोड के हमरा दो कॉफी शॉप्स का दौरा किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में वफाकी इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं और इस सिलसिले में सियासी रहनुमा अपनी मुहिम में मसरूफ हैं। इस हवाले से जस्टिन ट्रूडो जनूबी ऑन्टेरियो में वोटर्स के अहम इलाके में पहुंचे। कनाडा की लिबरल पार्टी के रहनुमा जस्टिन ट्रूडो ने ऑन्टेरियो में कोबर्क में मकामी रहनुमा किम रूड के हमरा दो कॉफी शॉप का दौरा किया। रूड ने 2015 में लिबरल्स की नशिस्त पर 2000 से भी कम वोटों से कामयाबी हासिल की थी, सख्त मुकाबले वाले इलाकों में से एक जिसे जीत के लिए अहम समझा जाता है। इसके अलावा जस्टिन ट्रूडो ने मारखम में भी एक रैली में शिरकत की। शहर से लिबरल काबीना की साबिक रुकन जैन फिलपोर्ट भी आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, जिन्होंने एसएनसी लावेलियन तनाजे के बाद लिबरल कॉकस से अलग-अलग इख्तियार कर ली थी। कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा एंड्रू शेयर का कहना है कि अगर वो वजीर आजम मुंतखब हुए तो वो कम आमदनी वाले अफराद के लिए टैक्सों में कमी करेंगे और कैनेडियन के सालाना सैकड़ों डॉलर्स बचाएंगे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा एंड्रू शेयर का कहना है कि अगर वो वजीर आजम मुंतखब हो गए तो वो कम आमदनी वाले अफराद के लिए टैक्सों में कमी करेंगे और कैनेडियन के सालाना सैकड़ों डॉलर्स बचाएंगे। सूरे में अपनी मुहिम के दौरान शेयर ने वादा किया कि वो सबसे कम आमदनी वाले खतूत पर टैक्स की शरह को 15% से कम करके 13.75% कर देगा। कंजर्वेटिव का कहना था कि टैक्स में कटौती से एक शख्स 440 डॉलर्स जबकि एक कमाने वाला जोड़ा 850 डॉलर्स सालाना बचा सकता है। इस मौके पर शेयर का सहाफियों से कहना था कि वो अपने 5 साल जिम्मेदार दौर हुकूमत में मुतवाजन बजट पेश करेंगे। शेयर ने कहा कि हम मुतवाजन बजट में वापस जाते जा रहे हैं जबकि टैक्सों को कम करने और कैनेडियंस की जेब में रकम वापस रखने के तरीके तलाश करेंगे ताकि वो आगे बढ़ सकें। उनका कहना था कि मैंने ये अहद किया है कि ऐसा करते हुए सेहत की देखभाल और तालीम जैसी आम खदमात के लिए माली आयानत में कम से कम 3% इजाफा जारी रखेंगे। उनका कहना था कि टैक्स कटौती में मरहलावार काम किया जाएगा जबकि इसमें 2021 में 14.5 तक इसे रखा जाएगा और 2023 तक इस पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। कुछ बात करेंगे मिसिसागा में हल्की फुल्की बारिश भी कैनेडियंस को यूएस ओपन के चैंपियन बियांका एंड्रियास्की की फतह का जश्न मनाने से रोक न सकी। तकरीब में हजारों अफराद ने शिरकत की। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। मिसिसागा में हल्की फुल्की बारिश भी कैनेडियंस को यूएस ओपन की चैंपियन बियांका एंड्रियास्की की फतह का जश्न मनाने से ना रोक सकी। इस मौके पर शिरका शी द नॉर्थ के नारे लगाते रहे। जीटीए भर से हजारों की तादाद में लोग सेलिब्रेशन स्क्वायर पर रैली में शरीक हुए। एंड्रियास्की ने मजमे की जाने देखते हुए कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे लिए इस तरह का जश्न मनाया जाएगा। 19 साल एंड्रियास्की 7 सितंबर को अमरीकी टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स को शिकस्त देने के बाद पहली बार ग्रैंड स्लैम सिंगल्स जीतने वाली पहली कैनेडियन खातून बनी। उनकी फतह का जश्न मनाने वालों में जस्टिन ट्रूडो समेत अहम अफराद ने भी शिरकत की। एंड्रियास्की का कहना था कि रवां साल कैनेडा के खेलों में जो कुछ हो रहा है वो देखने में बहुत खूबसूरत और मुतासिरकुन है। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक बयान में अमरीकी सदर का कहना था कि सऊदी अरब की तेल सप्लाई पर हमला किया गया। यकीन करने की वजह मौजूद है कि हम मुजरिम को जानते हैं, निशाना और हथियार बंद भी हैं, मगर तस्दीक पर मुनस्सर है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि सऊदी तेल हमले के जवाब के लिए निशाने और हथियार के साथ तैयार हैं। सामाजिक रابطے की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक बयान में अमरीकी सदर का कहना था कि सऊदी अरब की तेल सप्लाई पर हमला किया गया। यकीन करने की वजह मौजूद है कि हम मुजरिम को जानते हैं, निशाना और हथियार बंद भी हैं, मगर तस्दीक पर मुनहसर है। ट्रंप का कहना था कि सऊदी अरब से सुनने के मुंतजर है कि वो किसे हमले का जिम्मेदार समझता है। हम सऊदी अरब से सुनना चाहते हैं कि किन शराइत पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अमरीकी सदर ने अमरीकी महफूज ज़खायर से तेल जारी करने का इख्तियार दे दिया और कहा जरूरत पड़े तो इसे मुनासिब मिकदार में तेल लिया जाए। मिकदार का तायुन मार्केट जरूरियात के मुताबिक किया
स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जाएगा। सऊदी अरब में ड्रोन हमले के बाद मुल्क की मजमूई तेल पैदावार आधी रह गई है, जबकि अमेरिका हमलों का इल्जाम ईरान पर लगा चुका है। वाज़ह रहे कि सऊदी तेल तंसीबात पर हमलों के बाद सऊदी वजीर तवानाई का कहना था कि अब केक और खरीस प्लांट पर ड्रोन हमले के बाद सऊदी ऑयल कंपनी की मुतासरा तंसीबात से तेल की सप्लाई आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। दूसरी जानिब हौसी बागियों ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि ऑयल तंसीबात पर 10 ड्रोन फायर किए गए हैं। ईरान से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को खबरदार किया है कि वो किसी भी किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को खबरदार किया है कि वो किसी भी किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। तफसीलात के मुताबिक ईरानी पासदारान इंकलाब के एक कमांडर ने धमकी दी है कि अमेरिकी अड्डे और एयरक्राफ्ट कैरियर्स ईरानी मिसाइलों की रेंज में हैं। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक एरोस्पेस फोर्स के सरबरा अमीर अली हाजी ज़ादा ने बताया कि उनका मुल्क हमेशा ही से मुकम्मल जंग के लिए तैयार है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि 2000 किलोमीटर की हदूद के अंदर मौजूद अमेरिकी अड्डे और एयरक्राफ्ट कैरियर्स ईरानी मिसाइल की रेंज में है। हाजी ज़ादा का ये बयान एक ऐसे मौके पर सामने आया जब अमेरिका सऊदी अरब में हुए हमलों का इल्जाम ईरान पर आयद कर रहा है। वाज़ह रहे कि अमेरिका और ईरान के माबेन जौहरी मुआहदे का तनाजा कई अरसे से जारी है। वाशिंगटन की जानिब से जौहरी मुआहदा मंसूख किए जाने के बाद तेहरान पर मुतादित इक्तिसादी पाबंदियां आयद कर दी गयी। ताहम ईरान को मुआहदे के दो निकात पर तजारती इस्तिस्ना हासिल था। इसी के साथ ही टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी।